और बता दीजिए कि सरकार क्या बेसमानी, क्या किस आधार पर क्षेत्रीय भाषाओं का चयन किया गया और जनजातीय भाषा का सरकार ने क्या आधार माना है? आधार भोजपुरी बोलने वाला कोई धनबाद और बोकारो में नहीं, कोई गांव नहीं। हाँ, बाहर से आए हैं, बिहार से आए हैं। अगर ये आधार है तो उर्दू बोलने वाला कहाँ है? उर्दू तो झारखंड की भी है, खतियानी रैयत है वो लोग। झारखंड में तो जो खोटा बोलता है। 24 जिला में आपकी तो सरकार ने कहा है कि एकमात्र भाषा है जो उर्दू, जो 2400 जिला में बोली जाती है। मैंने सभी जिले में है बोलने वाला। उसका आधार क्या है, जिस आधार से आप लोग? अरे आधार जाति आधार है, सब जात सब कौन जिला में नहीं है मुस्लिम। मंत्री जी, आप सरकार पर आधार भाषा के आधार पर आप राज्य को बांट रहे हैं के विपक्ष आरोप लगा रहा है आपकी सरकार पर। अरे विपक्ष का कुछ रहेगा तब ना, उनका आरोप लगाना काम है। अपने समय तो कुछ किया नहीं और उन्हें बांटा 13 जिला 11 जिला, वो क्या किया था? मतलब जो वो लोग कर रहा है वही आप ही कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम तो झारखंड के हित में काम कर रहे हैं। नहीं नहीं जगन्नाथ, आपकी सरकार ने अगर निर्णय लिया होगा कोई तो आधार बनाया होगा, नहीं तो अगली सरकार आएगी फिर बदलेगी, फिर आपकी सरकार आएगी फिर बदलेगी, ऐसा हर बार होता रहेगा। मेरा आधार है। हाँ, क्या आधार बनाया सरकार? हम तो बताए ना, वो बोले थे हम जांच करते हैं, जांच के दौरान कोई भी गांव में भोजपुरी बोलने वाला नहीं। भाषा नीति तो होनी चाहिए ना। तो क्या सरकार ने जनमत संग्रह किया था बाकी भाषाओं को जोड़ने के लिए? अरे जनमत संग्रह की बात ने जो वहाँ हम लोग का बात सुना गया कि हमने जो कहा, हमने जाके कहा कि इस तरह की बात है, तो देखा गया कि कहीं भोजपुरी बोलने वाला है ही नहीं। लागू करने के बाद जांच करने का क्या तात्पर्य? उर्दू बोलने वाला भी तो कोई नहीं है झारखंड में। अगर मुस्लिम आप बोल रहे हैं तो भाषा जो है क्षेत्र के आधार पर लोग बोलते हैं। अच्छा, धर्म के आधार पर कोई भाषा आज की दुनिया में नहीं है। हमको धर्म के आधार पर उसको नहीं लिया गया है। उर्दू भाषा है कि नहीं? उर्दू भाषा है, लेकिन उर्दू भाषा झारखंड में कोई नहीं बोलता है। कैसे नहीं बोलता है? नहीं नहीं, तो यही तो बात हुआ, सरकार बोल रही है बोलते हैं, वो बोलते नहीं बोल रहे हैं, तो सरकार ने क्या आधार बनाया भाषाओं को जोड़ने के लिए? मुस्लिम का बात कर रहे हैं या कुछ भी अपने क्षेत्र के हिसाब से कोटा भी बोलते हैं या राकुड़ी बोलते हैं? उस विवाद पर नहीं फंसना चाहते क्या है नहीं है, लेकिन मेरा जो सपना था ये पूरा हो। सर मेरा एक सवाल है आखिरी तक, जब आप इस बात को सुनने को तैयार नहीं है, आधार बनाने को तैयार नहीं है, सुनने के लिए तैयार है बोलिए। आधार क्या है? क्यों, कौन सी आधार? जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा को कैसे जिला वार वाइज माना गया और सरकार ने इसके लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई? हम तो बोल रहे हैं दादा, हिंदी और उर्दू को कैसे क्षेत्रीय भाषा हम बना सकते? हिंदी भी तो बहुत ज्यादा लोग बोलने वाले हैं, ये तो राष्ट्रीय भाषा है। तो है ही है। हिंदी तो है ही है। भारत की द्वितीय राजभाषा है उर्दू, पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा है उर्दू, तो द्वितीय भाषा कैसे हो सकती है? द्वितीय राजभाषा है ना, द्वितीय राजभाषा तो भोजपुरी भी है, क्षेत्रीय भाषा की सूची में डाला गया है ना, वही भी है, झारखंड में है, के बोल झारखंड की है, बिहार की बात करो ना, झारखंड बिहार का क्या हो, झारखंड में आप सरकार ने भोजपुरी और मगही को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है। मूलतः भोजपुरी बिहार में है तो एक जिला में, खाली भोजपुर में, भागलपुर में अलग भाषा है, सिवान छपरा मोतिहारी बगहा आरा शाहबाद बक्सर चारूर भोजपुरी है, यहाँ तक है पलामू गढ़वा तक। कितना जिला है? नहीं तो वो तो बिहार की बात है। अरे बिहार में कितना जिला है? झारखंड की बात हम लोग कर। एक सवाल है जगन्नाथ, मेरा एक आखिरी सवाल ले लीजिए, जब आपकी सरकार मान रही है कि 2400 जिला में उर्दू बोलने वाले लोग हैं और उनकी संख्या 10% से अधिक है, क्योंकि आपने कहा था 10% से कम है भोजपुरी मगही इसलिए हटना चाहिए, दस पूरी, तो क्या शिक्षा मंत्री राज्य के सारे स्कूलों में अनिवार्य करेंगे उर्दू की पढ़ाई? देखिए जहाँ मकतब है, मदरसा है, वहाँ तो पढ़ता ही है, सरकारी मकतब है, सरकारी मदरसा है, वहाँ तो उर्दू पढ़ता ही है। नहीं नहीं, बाकी सारे स्कूलों में, अरे बाकी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, सब में। सरकारी मदरसा है, सरकारी मकतब है, वहाँ तो पढ़ाई होता ही है। नहीं नहीं, तो सरकारी में तो हिंदी भी पढ़ाई होता है, आप उसको कहाँ मान रहे हैं? कहाँ नहीं, मैं मान रहा हूँ।
कहाँ अमीर का बच्चा इंग्लिश मीडियम से पढ़ता है, गरीब का बच्चा हिंदी मीडियम से। हाँ, इसीलिए हम लोग इंग्लिश मीडियम भी सरकारी स्कूल में खोल रहे हैं। इंग्लिश का नाम तो नहीं है ना किसमें, क्षेत्रीय भाषा का जो सूची में अगर उर्दू है तो हिंदी और इंग्लिश को भी डाल दीजिए फिर तो क्या क्षेत्रीय भाषा की जो सूची है उर्दू हो सकता है तो हिंदी और इंग्लिश को भी डाल दीजिए। भाई मेरे एक बार की कुछ होगा, धीरे धीरे जो भी आएगा। एक आखिरी सवाल है कि जो बिहारी भाषा और जिसको आप भोजपुरी को बिहार का भाषा कह रहे हैं उसको हटा के उर्दू जो उत्तर प्रदेश का सीमित क्षेत्र में बोला जाता है तो बिहारी का भाषा को हटा के उत्तर प्रदेश का भाषा को रखिएगा। इंडिया में द्वितीय राजभाषा है कि नहीं है ना, तो मोदी जी को हटा देना चाहिए। 5 साल का कर रहे थे, 7 साल से तो उन्होंने तो उर्दू रखी हिंदी तो। अरे उसको हटा देना चाहिए ना। अब हिंदी भी उर्दू आप कितने पूरे देश में कितने राज्य है? 29 राज्य में मात्र 13 राज्य हिंदी भाषा भाषी के हैं। देखिए उर्दू का विरोध का बात नहीं, लेकिन ये क्षेत्रीय भाषाओं की सूची है ना, आप उसको क्षेत्रीय भाषा मान। अभी हम चेन्नई से आ रहे हैं तो राष्ट्रभाषा है ना। क्या हिंदी राष्ट्रभाषा है?